जय श्री राम। राम राम। नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली सातवीं प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है सातवीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले संदीप सौरभ जी के माध्यम से जो बातें स्पष्ट किए गए हैं, कई खुलासे किए गए हैं, नई नियमावली को लेकर हो या फिर बजट में वेतन के प्रावधान को लेकर हो या फिर अन्य खुलासे किए गए हैं। तो सबसे पहले बातें करने वाले हैं नई नियमावली को लेकर जो बातें स्पष्ट की गई हैं, और बातचीत के दौरान जो बातें स्पष्ट हुई हैं तो शिक्षा विभाग से लगभग हरी झंडी मिल चुकी है नई नियमावली को लेकर। और बीते दिनों की खबरों के अनुसार से आप लोग जानते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी स्पष्ट किए गए हैं कि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो ये भी बातें स्पष्ट हुए हैं। और यह बातें कर रहे हैं संदीप सौरभ जी कि जो मामला है चाहे वित्त विभाग का है या फिर जो कानून बनाने के लिए जो विभाग है विधि विभाग का है, तो ये बातें किए हैं, विधि विभाग का मामला है। तो ये बातें हैं, तो यहीं पर जो बातें स्पष्ट हो रही हैं और शिक्षा विभाग से लगभग हरी झंडी मिल चुकी है, तो ये बातें हैं। और यह भी कर रहे हैं बातचीत के दौरान यह बातें स्पष्ट किए हैं कि जो सरकार को यह बातें स्पष्ट करनी चाहिए, जो वित्तीय बातें किए हैं, आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है बहाली प्रक्रिया में। और पहले भी संदीप सौरभ जी के माध्यम से यह मांग की गई थी, चलते सत्र में ही नई नियमावली को मंजूरी करते हुए सातवें चरण का विज्ञापन शीघ्र जारी करने के लिए। और काफ़ी समय से लगभग चार साल होने को हैं, और बिहार स्टेट 19 की बात करें तो इसमें तो 8 साल के बाद आयोजन हुए थे और उसके बाद 4 साल इधर, तो 12 साल हो जाते हैं। तो ये बातें स्पष्ट कर रहे हैं और मांग भी किए गए हैं। अब नई नियमावली के अलावे जो बातें करें, जो कि बजट में वेतन के प्रावधान को लेकर, तो इसमें बातें स्पष्ट हुई है जो कि 4% ही बढ़ोतरी हुए हैं, इजाफे हुए हैं 4% ही। तो इससे कैसे होगा, जो कि पहले के जो शिक्षक हैं उनके ही जो वृद्धि ये सब में ही हो जाएंगे, तो ये हो सकता है अलग से जो प्रावधान की बातें किए हैं अलग से, तो ये भी हो सकता है। और ऐसे में आप लोग ये भी जानते हैं जो प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया भी काफ़ी समय तक चलती भी है, और प्रक्रिया तो हो सकता है चले, तो इस बीच में जो नियुक्ति पद वेतन के आसपास में जो अलग से भी प्रावधान किए जा सकते हैं या फिर देखना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कई जनप्रतिनिधि के माध्यम से लगातार बातें रखी जा रही है शिक्षक बहाली को लेकर, सातवें चरण बहाली को लेकर सदन में लगातार मांग की जाती है, बातें रखी जाती हैं, चाहे विधानसभा में हो या फिर विधान परिषद में हो, लगातार सदन में बातें रखी जाती हैं। तो ऐसे में संदीप सौरभ जी का कहना है, बातें स्पष्ट कर रहे हैं, सदन में तो बात रखी जा रही है सातवें चरण बहाली को लेकर, लेकिन अभ्यर्थियों को भी अपने स्तर से लगातार मांग जारी रखने की जरूरत है, अभ्यर्थी लगातार मांग करते रहें जिससे अभ्यर्थियों को इंसाफ मिल सके। काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं सातवें चरण बहाली को लेकर, और सातवें चरण को लेकर सदन में बराबर मांग उठती है, खास करके माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली को लेकर। आप लोग जानते हैं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक की भारी कमी है, जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या 9,360 है, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी हैं, नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या 6421 है। और जहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है तो मांग लगातार जारी है, लेकिन अभ्यर्थियों को भी अपने स्तर से, चाहे प्राइमरी के शिक्षक अभ्यर्थी हों, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को अपने स्तर से यह बातें कर रहे हैं
कि जो मांग रखनी चाहिए सरकार तक अपनी बातों को किसी तरह से पहुंचानी चाहिए, अर्थात जो बातचीत के दौरान जो बातें स्पष्ट हो रही है सदन से सड़क तक या फिर सड़क से सदन तक बातें लगातार मांग जारी रखने की जरूरत है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हेडलाइन आप लोग देख लोगे, क्या SST में भी काफ़ी कम रिजल्ट, अभ्यर्थी को 26,221 पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप की भी बातें सुनते हैं तो आखिर SST में भी काफ़ी कम रिजल्ट कैसे है? एक तो आप लोग जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुए हैं और इसके अलावा सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला है, तो ये सब तो बात है ही। और आप लोग इधर देख रहे होंगे 12 मार्च रिजल्ट ही सही, अधिकतर अभ्यर्थियों का मानना है कि 12 मार्च रिजल्ट ही सही है, जिस दिन रिजल्ट जारी करते हुए सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की गई थी, लगभग बात कर रहे हैं नौकरी पक्की थी और ऐसे में और 3 महीने तक अभ्यर्थी खुशी मना रहे थे, अचानक से बड़ा उलटफेर जैसी बातें सामने आई तो सभी अभ्यर्थी यही मांग करते भी हैं सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, रिक्तियों की संख्या को बढ़ाते हुए अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, तो ये बातें हैं। तो 12 मार्च रिजल्ट ही सही मानते हैं। SST में भी काफ़ी कम रिजल्ट कैसे, तो ये भी बात है आप लोग देख रहे होंगे। एक हेडलाइन आप लोग ये भी देख रहे होंगे, उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक लिस्ट पब्लिक हुआ क्या, बड़ा सवाल है ये भी, क्या 21 जून को रिजल्ट जारी करते हुए जब नौकरी पक्की कर दी गई थी तो क्या ऑफिशियल वेबसाइट पर इस टाइप की जो पब्लिक हुए उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का लिस्ट पब्लिक हुए, क्या अभ्यर्थी देखे 26,221 का लिस्ट देखे, तो ये भी बड़ा सवाल है। तो इसीलिए ध्यान देने की जरूरत एक तरह से नहीं समझा जाए। हाँ ये बात है कि जो अपर मुख्य सचिव जी के माध्यम से सभी विषय का डाटा जारी किए गए थे डेटा, और ये ट्वीट पर ट्वीट करके जानकारी दिए थे ट्वीट के माध्यम से, तो ये भी बातें हैं। तो इस रिजल्ट के अनुसार से सभी अभ्यर्थी जो डेटा देखें उस अनुसार से प्रयास तो करते ही रहें कि अधिक से अधिक रिक्तियों की संख्या बढ़े, अधिक से अधिक पदों पर बहाली हो। कंप्यूटर साइंस विषय में भी जितने आप लोग देखे थे डाटा में कि जो 17,000 से अधिक रिजल्ट, तो उस अनुसार से रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहें, तो ये तो अलग बात है। लेकिन क्या अभ्यर्थी उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का लिस्ट देखे हैं? आप लोग जानते हैं अपर मुख्य सचिव जी का ये बातें सही है तो अपर मुख्य सचिव जी भी तो ट्वीट करके जानकारी दिए थे कि जो नौकरी पक्की के बारे में पूछा गया था तो यस में जवाब दिए थे नौकरी पक्की समझी जाए, और वही बातें हैं यहाँ तक कि जो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जी हैं, तो रिजल्ट जारी करते हुए बातें रखी गई थी नौकरी पक्की के बारे में, तो ये सब बातें हैं। तो अभी भी जो आप लोग जानते हैं लिस्ट अभ्यर्थी नहीं ही देखें, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट नहीं आया तो अधिकतर क्या लगभग सभी अभ्यर्थी नहीं ही देखे हैं लिस्ट, कौन देख सकता है जब ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर किसी भी माध्यम से बातें पब्लिक के सामने आई ही नहीं लिस्ट, तो यही बातें हैं। 26,221 का लिस्ट हो या फिर 17,034 का लिस्ट हो तो कुछ भी जानकारी नहीं है अभ्यर्थियों को, लेकिन फिर भी इस डाटा के अनुसार से अभ्यर्थी रिक्तियों की संख्या को बढ़ाते हुए सभी अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, ये तो मांग रखते ही हैं और रखनी भी चाहिए। लेकिन और कारण भी है कि जो रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है तो अच्छी ही खबर होगी, कम से कम तो आप लोग जानते ही हैं अपने जिले मिल सकते हैं आसपास के जिले मिल सकते हैं तो नौकरी पक्की होगी, रिक्तियों की संख्या यदि कम भी क्वालिफाइड निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अधिक क्वालिफाइड हों तो नौकरी पक्की हो जाएगी, कम क्वालिफाइड हों तो अपने ज़िले या फिर जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो मिल सकते हैं, तो अच्छी ही खबर होगी। तो इसलिए रिक्तियों की संख्या जितना अधिक बढ़े तो इसके लिए तो मांग करनी भी चाहिए, और जो डेटा देखे हैं 17,000 का हो या फिर 26,000 का हो तो उस अनुसार से उसी डेटा के अनुसार से प्रयास करने की जरूरत है कि रिक्तियों की संख्या बढ़े और 7वें चरण का विज्ञापन शीघ्र जारी हो। लेकिन
26,221 को लेकर उतना जो चिंतन की बात है करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी क्वालिफाइड की संख्या कम ही है, कारण है कि जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन होंगे, कई अन्य जॉब मिल जाते हैं, कई अन्य कारण होते हैं, अपीयरिंग का मामला होता है, अपीयरिंग का मामला, इसके अलावा बीएड नहीं होते हैं, तो ये सब बात हैं सोशल साइंस उसे के लिए, तो ये भी बातें हैं। तो इसीलिए अपने स्तर से तो प्रयास करते ही रहें कि जो रिक्तियों की संख्या को बढ़ाई जाए, वही बात है कंप्यूटर साइंस उसे में भी रिक्तियों की संख्या को बढ़ाई जाए, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत सभी अभ्यर्थियों को है ही। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।